दिल्ली के छतरपुर 100 फुटा रोड के शमशान घाट के पास पिछले दिनों प्रशासन द्वारा बोल्डर चलाकर वर्षों पुराने बसे लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया। वहां के सभी परिवार गरीब और असहाय हैं, जबकि उनके पास जमीन के पेपर, आधार कार्ड सब कुछ बने हैं। अब वह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ईश्वर सिंह और उत्तराखंड के समाज सेवी वीरेंद्र बर्थवाल ने बताया कि आप पार्टी ने हमें 2012 में आश्वासन दिया था कि आपके घर नहीं उजाड़े जाएंगे और हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन सत्ता में आते ही मुंह फेर लिया और अब हमारी जमीन परिवहन निगम को दे दी गई है, जबकि पट्टा पेपर सब हम लोगों के नाम है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? हमने दिल्ली सरकार से बात करनी चाहिए तो हमारी नहीं सुनी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे घर फिर से हमें नहीं मिल जाते और हमें बसाया नहीं जाता। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी ठंड में ही धरने पर बैठ गए हैं, पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। जिसके बारे में हमें ना तो सामान निकालने दिया गया और ना ही हमें घर, जैसे ही पुलिस आते ही हमने उनसे नोटिस मांगा, ना उन्होंने हमें नोटिस दिया। हमें उल्टा धमकाया गया कि बोले आप तो सरकारी जगह पे बैठे हो। वो हमारी जो आज से लेकर के ये लड़ाई 2004 में भी तोड़ दी गई, 12 में भी तोड़ दी गई, 6 में भी तोड़ दी गई। हमारे जो जिन भाइयों के घर टूटे वो घर उसी तरह हमें उसी जगह पे बैठाया जाए। और हमारी मांगे यही है कि हमारा जो सामान था जो पहले भी तोड़ फोड़ में नुकसान हुआ, हमारी भरपाई की जाए। इलेक्शन के टाइम पे ही सारे नेता आते हैं, गलत गलत वायदे करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद वही जो है हमारा दुरुपयोग। दीपू न्यूज के लिए दिल्ली से दीप सिलोठी।